नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का राजभा एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आजमगढ़ की धरती पे हैं और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम है हीरा हेल्थ केयर सेंटर। तो आइए जानते हैं इस हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, जो चलाते मेन डॉक्टर हैं, अरविंद राजभर जी हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ मिलती हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे जो यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं तो उनको एक बार जानकारी दीजिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, क्या क्या इलाज होते हैं। सर, प्रथम मैं डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर हीरा हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से सभी व्यूअर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ तक आए और सबको जनता को समाज को सूचित करना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से डॉक्टर आते हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता हूं। मैं MD आयुर्वेद फिजिशियन का वर्क करता हूं और हमारे यहां डॉक्टर राहुल प्रधान MBBS MS नेत्र रोग, रेटिना, ग्लूकोमा रोग विशेषज्ञ प्रत्येक रविवार को, संडे को आते हैं और फेको विधि द्वारा कटरेक्ट की सर्जरी होती है, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर MP सिंह MBBS डीप कार्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, प्रत्येक दिन अपनी सेवाएं देते हैं, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक रहते हैं। और डॉक्टर संदीप कुमार दुबे ENT रोग विशेषज्ञ हैं और MBBS MS PHU से इन्होंने किया है। नाक कान गला रोग से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, क्रिटिकल सर्जरी से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। जनरल सर्जन भी उपलब्ध हैं, जनरल सर्जरी भी होती है। और हमारे यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार राजभर जी हैं, जो प्रत्येक दिन अपनी सेवाएं देते हैं। और इसी क्रम में आने वाले दिनों में हम कार्डियोलॉजिस्ट को भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं और आयुष्मान से आच्छादित करने जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल को, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक की जो सुविधाएं हैं फ्री में मिलती हैं। और आने वाले दिनों में जो भी होगा, मैक्सिमम जितनी भी सर्जरी से लेकर के सुविधाएं हो सकती हैं स्पेशलाइजेशन की स्पेशली, वो अपने यहाँ में उपलब्ध कराएंगे। सर, जाना चाहेंगे कौन सा एरिया? ये एरिया जो है जौनपुर बॉर्डर से लगा हुआ है और आजमगढ़ से 46 किलोमीटर पर पड़ता है। ब्लॉक जो है मार्टिनगंज है, जो अब तहसील बन चुकी है, लालगंज से 15 या 20 किलोमीटर पे है और आपका ठेकमा से 15 या 20 किलोमीटर पे है। ठेकमा ब्लॉक लगता है यहाँ का, जहाँ पे ये सिचुएटेड है या स्थित है, यहाँ से ठेकमा ब्लॉक है। तहसील जो है कि पुरानी लालगंज थी, अब मार्टिनगंज हो गई है और नियर गौरा बादशाहपुर एक फेमस जगह है जौनपुर की, बहुत पुरानी मार्केट है, 10-15 सालों से है, उसके नज़दीक है, उसे लगा हुआ है। दोस्तों, बता दें ये हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है इस समय। तो हमारे साथ में अभी डॉक्टर सुजीत जी हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या कहेंगे जो आसपास के जो लोग हैं, जैसे बच्चों की जो आप देख रेख करते हैं, इलाज करते हैं उनका, जो कि काफ़ी नॉर्मल कंडीशन में होते हैं बच्चे, तो यहाँ के क्षेत्र के वासियों से क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ बच्चों के लिए NICU और PICU की भी सुविधा उपलब्ध है, सारी चीज़ें हो रही। आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड से भी बच्चों का इलाज संभव हो पाएगा यहाँ पे। जी, साथ में मौजूद हैं अमित जी, जो कि जौनपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने भाई के इलाज कराए हैं। तो ये आपको बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कैसे इलाज होता है। अमित जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में कुछ जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, हम यहाँ पर पहली बार आए थे, हमारे बड़े भाई को इलाज करवाए और जो सुविधाएँ यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब एक बड़े शहर में जो सुविधा होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और हमारे भाई साहब 2-3 दिन थे, वो अच्छे से ठीक हो के यहाँ के गए हैं। और हमारे समाज के लोग जो इतने अच्छे अच्छे हैं इस पद पे और कार्य कर रहे हैं अच्छे से, और लोगों की हेल्प भी करते हैं, मतलब अगर आपके पास
कम पूंजी भी है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाइए दवा खाने में तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन हमारे समाज के ऐसे डॉक्टर हैं कि लोगों की फीलिंग को और लोगों की मजबूरी को समझते हैं, तो वो खुद अपनी तरफ से डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इलाज करने के लिए। और अभी जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग इसको देखिए और जो भी चीज़ें अपडेट मिलती हैं आप लोग फॉलो करिए। धन्यवाद। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इस हॉस्पिटल के जो भी लोग आसपास में हैं, तो आपको अगर सही इलाज चाहिए तो आप यहाँ पे हीरा हेल्थ सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं और आप एक अच्छा इलाज पा सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।